तो ये देख लो भाई, ये आज की रेसिपी होने वाली है। खीर फुली लोडेड है ड्राई फ्रूट से, काजू, किशमिश, चिरौंजी, काफ़ी चीज़ें इसमें डली है। नारियल का बुरादा हो गया, देसी घी हो गया, और एक घंटा इसको पकाया गया, घोटा गया, उसके बाद ये ऐसी बनी है। तो चलिए सीखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। तो यहाँ पे अंकल जी खीर भी बना रहे हैं, ये देख लो, यहाँ पे 15 लीटर दूध है और आधा घंटा मेरे को ही हो गया इसको देखते हुए, पकाते पकाते धीमी आँच में अंकल कह रहे हैं इसको पकाते रहना है और ऐसे कड़छी इसमें चलाते रहनी है, और अभी भी कह रहे हैं कि इसको टाइम लगेगा पकने में। तो जब ये हो जाएगा, पक जाएगा दूध अच्छे से, तब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितना टाइम लगा इसको पकने में, और जब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह चावल डालेंगे कितनी क्वांटिटी में डालेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो खीर के लिए ये चावल हम यूज़ करने वाले हैं, 1.5 किलो चावल है। और चावल कौन सा होगा अंकल जी? बासमती चावल, चार टुकड़ा। तो चार टुकड़ा बासमती चावल हम यूज़ करने वाले हैं खीर के लिए। दूध हमारा अच्छे से पक चुका है, लगभग आधे घंटे तक इसको पकाया है उबाल आने तक, और अब इसको डाल दिया इसमें खीर में। डेढ़ किलो चावल था और 15 लीटर दूध था इसमें। और चावल को कितनी देर तक भिगाना था अंकल शुरू में? एक आधा घंटा आपको पहले चावल को भिगा के रखना है, उसके बाद उसका पानी निकाल के खीर में डाल देना है। और 60 आदमियों के हिसाब से ये बन रहा है। और अंकल आप चावल डालने के बाद कितनी देर पकाएंगे इसको? इसको अभी चावल उबाला जाएगा उतार बंद कर देंगे। ठीक है, चावल जब फट जाएगा तो उसके बाद उबालते रहेंगे। अच्छा, जब चावल फट जाएगा उसके बाद उबालते रहेंगे आधे? अच्छा, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। तो इसको आधा पौना घंटा और लगेगा, और उसके बाद जो इसमें जो भी चीज़ डालेंगे, कितनी चीनी वगैरह कितनी डालनी है, ड्राई फ्रूट्स कितने डालने हैं, वो हम आगे देखते हैं। और ये देख लो, खीर में आपको दिख रहा होगा हल्के हल्के से चावल दिख रहे होंगे, जैसे इसमें उबाला आ रहा है। बिल्कुल धीमी आंच में आपको इसको पकाते रहना है और कड़छी लगातार चलाते रहनी है, क्योंकि जितनी धीमी आंच में ये पकेगा उतना स्वाद इसमें ज़्यादा आएगा, बढ़िया आएगा। तो आगे जब इसमें ये चीनी डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे, वो चीज़ देखते हैं। फिलहाल इसको आपको पकाते रहना है। तो ये देख लो, हो चुका अंकल ये चावल, हो गया। अब क्या डालेंगे अंकल इसमें? अभी साबुदाना पड़ेगा, अभी साबुदाना वगैरह पड़ेगा। ठीक है, अभी और कितनी देर लगेगी अंकल इसको पकने में? आधा घंटा पौना घंटा लगता है खीर बनाने में, कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। अच्छा, जब यहाँ गाड़ी होती है। ठीक है, धीमी आंच से। तो धीमी आंच में आप पकाओगे तभी टेस्ट आएगा इसमें। चावल इसमें पक चुका है, अब इसमें जो भी आइटम डालेंगे आगे, साबुदाना वगैरह जो भी डालेंगे, वो आगे देखते हैं। तो ये देख लो, अब अंकल इसमें क्या डाल रहे हो? इलायची। इलायची इलायची डाल रहे अंकल ने, इसमें डाल दिया इलायची पाउडर, एक मुट्ठी डाल दिया इसमें इलायची पाउडर, जिससे कि फ्लेवर आए इलायची का, बहुत बढ़िया। अभी अंकल इसमें और कुछ डालेंगे या इसके साथ पकाएंगे? फिलहाल अभी पकेगा पूरा चावल, पूरा गलेगा। अभी और गलाएंगे इस चावल को, चावल गलने के बाद इसको काम करेंगे। ठीक है, तो अंकल ने इसमें एक मुट्ठी इलायची पाउडर डाल दिया है, इसको अंकल अभी और पकाएंगे, चावल को थोड़ा और गलाएंगे, फिर इसके बाद जो चीज़ डालेंगे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देख लो, ये साबुदाना है, आपने इसको भिगोना है 10 सेकंड के लिए पानी में, उसके बाद पानी निकाल देना है और इसको खीर में मिला देना है। ये पूरा डाल दिया इन्होंने इसमें 1/2 किलो साबुदाना, खीर में अपना अच्छे से उबाल आ चुका था, चावल भी हमारे पक चुके थे। और इसको हिलाते रहना आपने कंटिन्यू, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, आपको कंटिन्यू इसको करती ऐसे चलाते रहनी है और धीमी आंच में इसको आपको पकाना है। तो इसमें इलायची डाल दी थी, साबुदाना डाल दिया था, अब आगे देखेंगे और क्या ड्राई फ्रूट डालेंगे या जब चीनी डलेगी तो कितनी डलेगी, वो चीज़ आगे देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा खीर में तो उबाल आ चुका है, फिर भी इसको क्यों पकाए जा रहे हैं? इसको आपको पकाते रहना है धीमी आंच में, कड़छी चलाते रहनी है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। जैसे रबड़ी वगैरह होती है ना, उसको जितना ज़्यादा पकाते हैं वो उतनी गाढ़ी होती रहती है और उतना ही ज़्यादा टेस्ट उसमें आता है, वैसे इसको भी वैसे ही करना है। इसको धीमे धीमे पकाते रहना है और गाढ़े करते रहना है ताकि इसका टेस्ट जो है वो और बढ़िया आए। तो ये देख लो, अपनी खीर पकते हुए यहाँ पे और गाढ़ी हो चुकी है, साइड साइड में आपको दिख रहा होगा लेयर, ये देख लो मलाई जमने लग गई है इसमें और खीर भी गाढ़ी हो चुकी है। चीनी डाल दी है भैया ने इसमें, चीनी कितनी डालेंगे भैया? 3 किलो, 3 किलो चीनी डाली है भैया ने इसमें, 15 किलो 15 लीटर दूध के हिसाब से 3 किलो इसमें चीनी डाली है। तो 1 किलो दूध की अगर आप खीर बना रहे हो तो उसमें भैया कितने लगभग कितनी चीनी लगेगी?
300 ग्राम चीनी लगेगी। अगर आप घर में 1 लीटर दूध की खीर बना रहे हो तो उसमें 300 ग्राम चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद इसे पकाएंगे हम अच्छे से, उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें डलेंगी वो आगे देखते हैं। अभी इसको और गाढ़ा करना है। शुरू में आपने देखा होगा जब पका रहे थे तो हम कितना पतला था ये, अब पकते पकते गाढ़ी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन अभी इसे और गाढ़ा करना है और गाढ़ा करने के बाद इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी वो आगे देखेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे हमारी खीर अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब टाइम आ गया इसमें ड्राई फ्रूट डालने का। ये इसमें डाल दिए किशमिश 1 पाव है ये, और अब इसमें डाल रहे हैं काजू 1 पाव काजू। वैसे तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन भैया बता रहे थे आधा किलो हैं वही मैं कह रहा था, ये 1 पाव तो लग नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा हैं। आधा किलो काजू इसमें डालें और 1 पाव बादाम, 1 पाव बादाम है, 1 पाव किशमिश है और काजू जो है आधा किलो है। तो इसको अच्छे से मिला देना है आपने इसको, और थोड़ी देर ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ी देर और पकाना है इसको 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए रबड़ी की तरह। मतलब रबड़ी की तरह इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं, लेकिन गाढ़ी हो जाए और खाने में बड़ा मज़ा आए। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको आपने 5 मिनट और पकाना है, और लगातार कड़छी चलाते रहनी है कम आँच में। तो अभी इसमें भैया चिरौंजी डाल रहे हैं, 1 पाव डाल दो भैया। ये डाल दी इसमें चिरौंजी, और अब इसको अच्छे से मिला देंगे। खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आपको इसको 5 मिनट तक और पकाना है, ताकि ये और गाढ़ी हो जाए और इसको खाने में और ज़्यादा मज़ा आए। 250 ग्राम तो ये देख लो यहाँ पे डाल रहे हैं सूखे नारियल का बुरादा 250 ग्राम। ओ अच्छे से लोड कर दिया है खीर को। और ये भैया इसमें डाल रहे हैं घी। घी कितना जाएगा भैया इसमें? 250 ग्राम घी भी 250 ग्राम जाएगा। सारे जो ड्राई फ्रूट घी वगैरह थे वो 1-1 पाव डाले हैं, बस जो काजू था वो आधा किलो डाला है, बाकी सारे 1-1 पाव डाले हैं। और खीर अच्छे से लोड कर दी है घी से, ड्राई फ्रूट से, चिरौंजी वगैरह सारी चीज़ें। और अब आपको इसको 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ, पहले इनको डालने देते हैं और अच्छी तरीके से मिक्स करने देते हैं। तो भाई ये देखो खीर दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है, यहाँ पे अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स देख लो कितने ज़्यादा डले हुए हैं, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है खीर की। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।